नमस्कार yaarse.com राशि का स्वागत है साक्षात्कार सिंह सत श्रीकांड में 691। आज हमारे साथ है रफी खान कासली, तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे बढ़ने से पहले नियमित सत्य बता दूँ, एक तो वीडियो yaarse.com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ कहने से आप जिम्मेदार होंगे, सभी व्यवस्था हमारे हित में नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट की रिपोर्ट कितने आएंगे, ठीक है? तो शुरुआत है पारिवारिक परिचय से, अपने शब्दों में बताएं। नाम मोहम्मद रफीक खान है जी, गाँव कासली है, पिताजी का नाम रिसलदार मेजर अब्दुल मजीद खान जी, माता जी का नाम है बिस्मिल्लाह खान जी, और पीछे याद है दादाजी दादी जी का? दादाजी का नाम है लादू खां, दादी जी का नाम है अजीमा बान जी, और पीछे याद है? और पापा जी के दादाजी का नाम है मुशरफ खां। ठीक है, ननिहाल कौन सी जगह है? ननिहाल है किरडोली। किरडोली तो नज़दीक है वो तो? हाँ नज़दीक है। तो नाना नानी जी का नाम? नाना जी का नाम है पीरू खां और नानी जी का नाम है आजरा बानू। और ससुराल कौन सी जगह है? ससुराल भी किरडोली है। किरडोली है। और सास ससुर का नाम? ससुर का नाम है इकबाल खां और सास का नाम है रईसा बानू। ठीक है, और धर्मपत्नी का नाम? तस्लीम बानू। ठीक है, और बहन भाई? पांच बहन भाई हैं, नाम क्रम से बड़ी है शेर बानू, उसके बाद में दूसरे नंबर पे मैं हूँ, तीसरे नंबर पे नसरीन बानू और छोटा भाई है आर्मी ऑर्डिनेंस में जबलपुर पोस्टेड है असलम खान, फिर छोटी बहन है नसीम बानू। ठीक है, और संतति? संतान तीन बच्चे हैं मेरे, बड़ी बेटी का नाम है सादिया बानू जिसने 12th पास करी है अभी, और छोटी बेटी है जिसने 8th पास करी है साफिया बानू, और 5 साल का बेटा है अतीक खान। शैक्षणिक पृष्ठभूमि? मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है। प्रिय मित्र? प्रिय मित्र लिस्ट बड़ी है, किसी एक का नाम लूँगा तो दूसरे तो नाराज रहते हैं। प्रिय मित्र बहुत का बताना चाहे तो नहीं, क्लोज भी अपन मानेंगे तो भी बहुत है मतलब। प्रिय गुरुजी? प्रिय गुरुजी एक हमारे 9th क्लास में पढ़ा था तेजपाल जी, एक आमीन जी पीटीआई जी जो चितलाएंगे स्कूल में हमारे कोच थे। अच्छा अच्छा हुआ है। तो भ्रमण कहाँ कहाँ किया है? भ्रमण तो नॉर्थ इंडिया में लगभग सभी जगह किया है, यूपी में मैंने जॉब किया है, नोएडा वगैरह में, दिल्ली। खेल में रुचि रही है? खेल में रुचि रही है बिल्कुल, मैं क्रिकेट खेला है मैंने खूब। अच्छा, कोई तहसील स्तर जिला स्तर? मैंने स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेला है। अच्छा, हाँ। स्कूल के समय खेला है, कल्याण कॉलेज की तरफ से खेला है। क्रिकेट में काफ़ी रुचि। तो साहित्य में रुचि रही है? साहित्य में कोई खास रुचि नहीं रही है। ठीक है, तो आजीविका मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, पिछले 12 साल से टेलीकॉम में जॉब कर रहा हूँ, अभी लगभग 9 साल से मैं रिलायंस जियो में वर्किंग कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप थोड़े व्यवसायी टाइप के भी हैं, हॉस्टल खोल लिए? हाँ बिल्कुल। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा तो जैसे हमारा समाज का हॉस्टल है, कायमगानी हॉस्टल जो देवपुरा में है। अच्छा, समाज की तरफ से अलग है वो भी है? हाँ, वो समाज का हॉस्टल है, हमारे लगभग 36 साल पहले बनाया हुआ है, तो वहाँ वो बच्चों का हॉस्टल है। अच्छा। मतलब लड़कों का है वो, हाँ। तो उसमें 100-150 बच्चे रहते हैं, वो बहुत अच्छे अच्छी पोस्ट पर वो पहुँचे हैं जी। लेकिन यहाँ लड़कियों की कोई फैसिलिटी नहीं थी। अच्छा, तो जिसकी चर्चा चल रही है, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी समाज का लड़कियों का हॉस्टल होगा। तो लड़कों का सब पहले से है? लड़कों का पहले से, हमने लड़कियों का खोला था। लड़कियों की बात चलती है। हाँ, जो कायम गर्ल्स हॉस्टल है वो लड़कियों को फैसिलिटी देने के लिए हमने खोला था। इसमें मतलब कि कौन है कटा देता है, कुछ फंडिंग कटा हुआ है? नहीं, वो ये हमारा पर्सनल है, प्राइवेट है, नूर मोहम्मद खान जी रोल साहब सर के हैं, आसिफ खान फौजी है कासली के, और मैं तीन, हम तीनों मिलकर खोला है मतलब। लेकिन है वो समाज के लोगों के, लड़कों के, लड़कियों के लिए? लेकिन वैसे नहीं, वैसे तो कायम नाम हमने रखा है, क्योंकि ये हमारे जो दादा हैं कायम खां, उनके नाम से हमने रखा है। बाकी इसमें है हमारे पास अधिकतर अल्पसंख्यक समाज के बच्चे, लेकिन सर्व समाज के बच्चे हमारे पास। तो वैसे पूरा सामुदायिक भी हम कोई संभावना है कि बनने की? बन रहा है? नहीं, वो हमारा बॉयज़ का तो बना हुआ है, और जल्दी ही गर्ल्स का और बनेगा, उसकी रूपरेखा बन रही है। आपका ये ताम झाम जो मैंने, काफ़ी हॉस्टल, कितने हॉस्टल कर रखे हैं आपने? ये तो एक लड़कियों का है, एक लड़कों का है। दो ही है, मैंने सुना 5-7 कर रखे हैं। नहीं, वो लड़कियों की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो 2 बिल्डिंग्स के रहते हैं, और 2 बच्चों के। तो ये काफ़ी वैसे जोखिम भरा है,
जवाबदारी भी है इसमें। हाँ, जवाबदारी वाला काम था बिल्कुल। और खाना अच्छा मिलना, लड़कों को ध्यान से रखना, सुविधाएं उपलब्ध कराना, साफ सफाई, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए हमारी पूरी टीम है और मैनेजमेंट है लगभग 22-23 लोगों का, वो उसको अच्छी तरीके से पूरा हैंडल करते हैं। तो कितना क्या हिसाब है बताएंगे, क्या फीस वगैरह का क्या स्ट्रक्चर है? क्या लड़कियों के लिए 7,000 है और लड़कों के लिए 6,500 भी है, 7,000 भी है, 8,000 भी है, वो अलग अलग रूम पे डिपेंड है, सिंगल डबल अटैच नॉन अटैच ऐसा है। अच्छा 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 तो इसके लिए कोई प्रक्रिया है कि बस आवेदन करने की या फ़ोन करने की या जैसे? नहीं, जो बच्चे पिपराली रोड पहले पाओ, हाँ नहीं, जो बच्चे पिपराली रोड पे एडमिशन लेते हैं तो उनकी क्लासेज सुबह 6 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक भी चलती है, तो उनको इसी एरिए में चाहिए हॉस्टल, तो हाँ जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह में ये बच्चे पढ़ते हैं तो वो हमारे पास आते हैं, जो हमारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग में एडमिशन लेते हैं। मैंने सुना है कि आपकी एक कायम खानी महासभा जी कोई गुमशुदा सी थी, काफ़ी सालों सुना भी नहीं है, हाँ तो अभी कोई शुभगाठ चल रही है? कायम खानी महासभा हमारे बुजुर्गों ने बहुत लंबे समय पहले बनाई थी, और जो भी हमारा सिक्कर में हॉस्टल बनाया या दूसरे जगह हॉस्टल बने हैं वो कायम खानी महासभा की ही प्रॉपर्टी है, उनके द्वारा बनाया गया था, लेकिन पिछले 20 सालों से ऐसे नाइतफा की वजह से मतलब पूरा सिस्टम है वो ठप पड़ा है। अभी पिछले 2-3 साल से इसकी प्रक्रिया चल रही थी उसको वापस वजूद में लाने के लिए, जो कि अभी अंतिम चरण में है, उसके लिए मतदाता सूची वगैरह बन रही है, मेंबरशिप अभियान पूरा हो गया और उम्मीद करते हैं कि जल्दी कायम खानी महासभा वजूद में आएगी। तो इसमें युवा लोगों को स्थान मिलेगा, जैसे मान लो आप कोई स्थान मिलेगा कि वही बुजुर्ग लोग? नहीं, वैसे ये बुजुर्गों की संस्थान है लेकिन यूथ भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो यूथ का इसमें अलग से विंग होती है, जैसे यूथ युवा महासभा होती है। इसका प्रयास करेंगे आप भी? प्रयास, हम सोशल सिस्टम से जुड़े हुए हैं और इस ढांचे को खड़ा करने के लिए जो भी हमसे प्रयास होगा वो प्रयास हम करेंगे। तो क्या क्या इसके दायित्व हैं, क्या मतलब क्या करती है सभा? जैसे हमारे यहाँ जागीर बोर्डिंग है, जाट बोर्डिंग है ना, अलग अलग गुजर मीणा अलग अलग बता रखे लोगों ने, तो आपकी भी कायम खानी महासभा, तो इसका क्या काम था, क्या रोल था पहले भूमिका? पहले कायम खानी महासभा का बहुत बड़ा मतलब वजूद था, बहुत बड़ा मतलब अहम रोल था, समाज के अंदर जो भी कोई डिस्प्यूट होते थे तो उनको महासभा के मेंबर या जो भी समाज के करतार देता होते थे वो बैठ के निपटारा कर देते, कोर्ट कचहरी तक जाने का मामला नहीं होता था। और एजुकेशन के लिए जैसे इन्होंने हमारे बुजुर्गों ने हॉस्टल्स खोली, उन हॉस्टल्स में बच्चे जो भी गरीब घर का बच्चा वो रह सकता है, उसमें एक नाममात्र नॉमिनल चार्ज लगता है और उससे वो बहुत बड़े पद तक लोग बाग पहुँचे हैं, मतलब उसमें सक्सेस हुए हैं, तो उस टाइम बड़ा रोल था। और आज भी सामाजिक ताने बाने को मजबूती के लिए एक महासभा का होना ज़रूरी है, जो कोई विवाद की स्थिति में या मान लो कि आरक्षण ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए कायम खानी यूथ ब्रिगेड KKY भी जी, ये भी थोड़ा सा प्रख्यात अपने एरिया में। जैसे क्या होता है, जैसे कोई आदमी और विधवा है, ठीक है, और कुछ लोग उसको पेंशन देते हैं, जैसे एक संगठन बना रखा है मदद फाउंडेशन का लोगों में, ऐसे तो विधवा लोगों को पेंशन देना है, जैसे कि छात्रवृत्तियाँ हैं, है ना, आपने से हॉस्टल वगैरह बताया, ये काम करना है, कोई रक्तदान करते हैं, कोई वृक्षारोपण है, मतलब जो अपने सीमा में है वो विकास कार्य, भले सर्व समाज की हो, अपने समाज की हो, कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठानी है वगैरह, और कोई मुसीबत फंसा उसको मदद देनी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार सकते हैं KKY का? KKY ये जो महासभा वजूद में नहीं है इसलिए उसकी यूथ विंग भी वजूद में नहीं है, इसलिए कुछ सालों पहले कौम के जो फिक्रमंद युवा थे उन्होंने एक संगठन बनाया, उसका नाम रखा कायम खानी यूथ ब्रिगेड, जिसको शॉर्ट में KKY भी कहते हैं। उसमें न कोई अध्यक्ष की कोई स्थान है, न कोई उपाध्यक्ष है, न कोई सचिव है, इसमें जो भी सोशल सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं वो लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसमें ज़्यादातर जैसे कि महिला सम्मेलन करवाए हैं, तो हमारे समाज में क्या है कि दहेज से रिलेटेड या जोड़े वगैरह ऐसे मतलब सिस्टम ज़्यादा चल रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए महिलाएँ भाई इसका मेन जो किरदार है महिलाएं हैं, तो उनको इकट्ठा करके एजुकेशन के बारे में समझाया, उसका बहुत बड़ा मतलब प्रभाव समाज में पड़ा है, और मतलब जो भी दुष्प्रभाव हैं वो लोगों को बताए गए, एजुकेशन के लिए मुहिम चलाई गई, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कोशिश की गई, और जहाँ भी समाज को जरूरत पड़ती है KKY भी अपना रोल अदा उसमें करती है। जैसे लॉकडाउन के अंदर कायम रसोई चलाई गई,
और जगह जगह फूड के पैकेट बांटे गए। तो ये कायम कहानी समाज का युवाओं का एक संगठन है जो अपनी कोशिश करता है। तो आपकी वैसे निजी रुचि है समाज सेवा में? समाज सेवा में मैं लगभग 10th क्लास के अंदर में कायम कहानी हॉस्टल में रहने लग गया था। तो मैं इस्लामी स्कूल में एक साल पढ़ा था। कायम कहानी हॉस्टल में रहने के बाद में समाज के वहाँ जो भी क्रियाकलाप होते थे, मीटिंग्स होते थे, तो उसको देखते रहे। 10th क्लास में ज़्यादा समझते नहीं थे लेकिन उनको देखते गए। उसके बाद में मैं कंटिन्यू उस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ। जो जैसा मेरे से बन पाता है, जैसे मई माह मेरे से कुछ हो पाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से। अच्छी बात है। राजनीति में रुचि है थोड़ी बहुत आपकी? राजनीति में वैसे विशेष रुचि नहीं है लेकिन मैं छात्र जीवन से SFI में SFI से जुड़ा हुआ हूँ। SFI जुड़े हैं ना? तो मतलब हम सीधी सीधी भाषा में कहते हैं कॉमरेड बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। ठीक है। हमारे यहाँ काफ़ी सालों से एक दो जिलों में उनका प्रभाव रहा है, विधायक जीते भी हैं ना? बिल्कुल। लेकिन प्रभाव जो है वो पूरे राजस्थान में क्यों नहीं देखने को मिलता? प्रभाव राजस्थान में इसलिए नहीं देखने को मिलता कि कम्युनिस्ट्री एक सिद्धांतों की पार्टी है, वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। इसी खूबी के कारण मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। बाकी मतलब किसी को भी टिकट दे दी, जीत दिया, वो भग गया, वो है। तो आज की जो राजनीति है उसमें सिद्धांतों की कोई वैल्यू नहीं है, मौका प्रस्त की राजनीति है। और कम्युनिस्ट जो सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, गरीब किसान मजदूर के लिए खड़े रहते हैं, और सीकर और राजस्थान समेत किसानों को हर चीज़ में उन्होंने मतलब जो भी मुद्दा उठाया है उसको मतलब पार किया है और लोगों का भलाई किया है। किसान कर्जा मुक्ति मान लो, लेकिन जब वोट का समय आता है तो वो बड़ी पार्टियां हैं वो वोट ले जाती है। समीकरण हो जाते हैं, जाति समीकरण, जातीय समीकरण, गोत्र, बड़ा धन बल, पैसा वगैरह सब लगता है, इसलिए वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। बाकी आप कम्युनिस्ट के बारे में पूछेंगे तो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस या BJP, वो ये कहेंगे कि अच्छी पार्टी है। और यहाँ जो लीडर हैं अमरा राम जी, उनके बारे में क्या कहें, मतलब वो हर गरीब मजदूर के लिए 24 घंटे तैयार खड़े रहते हैं वो। अच्छा, किसान और मजदूर ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान है लेकिन मजदूर भी काफ़ी हैं। ठीक है, तो मजदूर, लेकिन भारत सरकार और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो उनके जो पैमाने हैं, $1.50, $2, हमारे यहाँ से ₹28, ₹30 अलग अलग बदलते थे, 35-40 जो भी है। तो इन ये जो कमाता है वो तो गरीबी के रेखा में नहीं आएगा, इसे नीचे वो आएगा। आपको लगता है 20-30 ये सब में ये सब सरकारी आंकड़े हैं और उस गरीब से कोई नहीं पूछता है। मतलब भाई वो ₹35 में अगर वो कमा रहा है, वो गरीबी रेखा के नीचे अगर नहीं है तो मतलब क्या खाएगा उसमें, महंगाई इतनी बढ़ रही है। तो वही सोचने वाली बात है। तो ये जो आंकड़े तैयार करते हैं ऐसे कौन अधिकारी हैं? ये AC रूम में बैठ के आंकड़े तैयार करते हैं, उनको नहीं पता होता है कि क्या गरीबी होती है, क्या मध्यम वर्ग होता है। तो वो ग्राउंड के लेवल के आंकड़े नहीं है, वो सरकारी कागजों में खाना पूर्ति वाली चीज़ें। एक चीज़ और पूछने वाली थी आपसे, आरक्षण। मुझे तो नहीं पता, कहते हैं लोग कि ये 10-15 साल के लिए जोड़ा गया था आरक्षण, कि तात्कालिक थोड़ा सा उपाय था कि इससे जो है वो वंचित वर्ग हैं, दबे कुछ नहीं, वो थोड़ा सा सहारा मिलेगा, उसके बाद में रफ्तार पकड़ जाएगी तो इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन लोगों को इसका चस्का लगा और फायदा मिला तो लोग इसे जुड़ गए, अब इसे जकड़ के बैठ गए। अब कोई उसको हटाने के बजाय हमारे यहाँ वोट पॉलिटिक्स, तो हर साल कोई पार्टी आती है तो वो कुछ ना कुछ बढ़ा के चल जाती है। तो आपको आप आरक्षण के बारे में क्या कहना है? आरक्षण परिस्थितियों के हिसाब से उस समय सही चालू किया गया था, और जिन कम्युनिटी ने आरक्षण का फ़ायदा उठाया है उनमें सुधार भी हुआ है। और आज भी ऐसी कम्युनिटी है जो आरक्षण होते हुए भी मतलब वो समाज की मुख्य धारा में नहीं आ रहे हैं। तो आरक्षण सही तरीके से, मेरा जो मानना है, आरक्षण सही तरीके से नहीं लागू किया जा रहा। आरक्षण अगर कोई भी समाज में या किसी बंदे को आरक्षण का लाभ उठाने के लिए उसको एजुकेशन जरूरी है, अगर वो शिक्षित नहीं हुआ तो फिर वो नौकरी में उसको कहाँ मतलब वो फ़ायदा मिलेगा। एक जैसे छोटी सी बात और पूछने वाली थी कि विदेशों में मैंने देखा है पुलिस वाला यहाँ बॉडी कैमरा, मतलब कि बॉडी पे कैमरा रहता है, विदेश में जो भी है, और गाड़ी में कैमरा रहता है, थाने में ले जाएंगे वहाँ कैमरा रहता है, तो मतलब कि दुर्व्यवहार की संभावना नगण्य से रहती है। बिल्कुल, कोई दुर्लभ केस छोड़ दो बाकी नहीं रहती। हमारे यहाँ थाने में भी कैमरे नहीं है, पुलिस वालों के पे नहीं है, गाड़ी में भी नहीं है, तो वो उठा ले जाते हैं, 3 दिन तो पता नहीं चलता है, बाद में वो मजिस्ट्रेट के सामने 3 दिन बाद में, कभी 5 दिन बाद में, कभी समझौता करते, कभी मारते पीटते हैं, तो जज भी नहीं पूछता कि इसको मारा पीटा, पहले ये काम करेंगे, बाद बाकी काम बाद में।
तो हमारे यहाँ आपको नहीं लगता खुद नेता ही डरते हैं कि नहीं छोटा सुधार है, कल ही कैमरा लगवा दो आधी समस्या खत्म हो जाएगी ना, पुलिस की बदमाशी तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, क्यों नहीं करते कोई पार्टी? इसमें मेन चीज ये है कि जो अपना हिंदुस्तान का कानून है उसमें इतनी ज़्यादा खामियां नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लोग हैं वो मतलब उसको दुरुस्त नहीं करना देना चाहते, तो सब उनकी सह से होता है। उनके अगर कोई पॉलिटिशियन है वो अपना पसंदीदा अधिकारी लगाएगा, अब वो मनमानी करेगा तो उसका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो कानून का ये तरीके से दुरुपयोग ये करते हैं। लेकिन इसमें सुधार करने के लिए अपने जो लोकसभा विधानसभा में बैठे हैं उनकी जवाबदारी बनती है, लेकिन वो उस पर सीरियस नहीं है। जैसे जेलों में 150-150 मोबाइल मिले पिछली बार, तो उसमें भाई अगर गैलरी में कैमरे हो, उसमें बैरक में कैमरा होता है, गेट पे कैमरा होता है, ऑफिसों में कैमरा होता है, कहाँ से चीज जाएगी? नहीं, वो बगैर मिली भगत के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तक मोबाइल पहुँच जाए एक मोबाइल, अगर वहाँ का कर्मचारी या कोई भी मिला हुआ नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ मतलब कुछ हो जाए। लेकिन जाँच के नाम पर लिफाफत होती है? हाँ, जाँच के नाम पर लिफाफत होती है। अच्छा, राजनीति में क्या होता है कि कोई माँ बाप कोई गुरु कुछ नहीं होता, मौका परस्ती होती है, जो ही मौका मिला कुर्सी खींच ली, पाया खींच लिया। तो अभी जैसे महाराष्ट्र का देख रहे हैं, राजस्थान का देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का देखा बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं के लगता है कुछ, क्या कहते हैं उसको, सुचिता बची है, पवित्रता बची है कुछ? कोई सिद्धांत नहीं बचे, कुछ नहीं बचा, जो जिसको मौका लग रहा है वो मतलब हॉर्स जो राइडिंग है वो मतलब बुरी तरह से हो रही है, कौन किस पार्टी से जीतता है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हॉर्स राइडिंग तो नहीं हो रही है, हॉर्स राइडिंग तो वो खुद ही कर रहे हैं, वो तो खुद भी कर रहे हैं, किसी भी घोड़े पर चढ़ जाते हैं, तो जीत रहा है एक पार्टी से, जा रहा है दूसरी पार्टी में, फिर चुनाव के टाइम फिर बदली, मतलब कोई मतलब ईमान धर्म नहीं है नेताओं का, कोई सिद्धांत नहीं है, जो जहाँ से टिकट मिल गई वो उनके लिए सब कुछ है। और जो जो कार्यकर्ता 50 साल 20 साल 30 साल से पड़ा है, बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी कदर नहीं, जो पार्टी छोड़ के आ रहा है उसको सीधा टिकट मिल रहा है, वो पार्टियां यही देखती है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन सा हो सकता है, किसके जाति के कितने वोट हैं, कौन कितना उसमें पैसा लगाएगा, ये सब दरिया समेटने का कोई महत्व नहीं है। हाँ, दरिया समेटने वाले आ जाते हैं दिन गए वो। हाँ, कि उसको कोई उसकी नज़र में आ जाता बड़े नेता की, वो बात नहीं है ना। अच्छा, एक मैंने महसूस किया कि आपके जो युवा लड़के हैं गल्फ में ज़्यादा उनका चलन है जाने का, ठीक है? तो एक लड़के को छोटे से मैंने पूछा था, 8-10 साल का था, मैंने पूछा था कि भाई शायद आपके आपका भांजा था कोई ना काशली का, तो उसने मैंने पूछा बड़ा क्या बनेगा, क्या इराक जाऊँगा? तो ठीक है, इराक तो जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, आसान जगह है, काम करो। लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ अगर कोई आप किसी ट्रेड में किसी व्यवसाय में पारंगत होकर नहीं जाते हैं, जैसे कोई खाती का हो, तेजारे का हो, एसी का हो, इलेक्ट्रिशियन का हो, बिल्कुल प्लम्बिंग का, कोई भी काम हो, तो वहाँ फिर आपको मुश्किलें आती हैं, क्योंकि काम आता नहीं आपको, फिर आपको कठिन मजदूरी करनी पड़ती है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे हमारे यहाँ राजस्थान सरकार है वो भी इस मामले में उदासीन सी है कि भाई चलो ऐसी कोई सरकारी संस्थान हो जहाँ ट्रेडिंग की वो किसने शिक्षा दी जाए? बिल्कुल। और लड़के भी यहाँ दुकड़ पर खड़े रहते हैं और पापा जी कमा रहे हैं, साइकिल मोटरसाइकिल घुमा रहे हैं, बिल्कुल बाद में थोड़ा दबाव पड़ता है वहाँ चले जाते हैं, वहाँ फिर थोड़ी परेशानी होती है। ये हमारे अल्पसंख्यक समाज का मतलब जो आप बता रहे हो बिल्कुल हकीकत है कि मतलब रात को लेट तक चौराहे पे बैठना, चाय की थड़ी पे बैठना, बाइक से घूमना, वो एजुकेशन के मामले में बिल्कुल मतलब नकारात्मकता, 10वीं पढ़ ली तो बहुत बड़ी चीज़ है, बाकी इन सालों में बहुत सा सुधार हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर अपन कम्युनिटी देखें, पूरी कम्युनिटी को देखें, तो अभी बहुत गुंजाइश है। इसके लिए बहुत से संस्थाएं हैं जो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। आपने गल्फ का बोला, तो अल्पसंख्यक जो समाज है उसके लिए आज एक बहुत बड़ा जरिया अल्पसंख्यक समाज का कि वहाँ से गल्फ से इतना पैसा लोग बाग कमा रहे हैं, उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। अगर किसी का फादर वहाँ बाहर कमा रहा है, वो बेटे को अच्छी एजुकेशन दे रहा है या कोई बिजनेस बना खड़ा करके दे रहा है, तो उसके लॉन्ग टर्म फायदे मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये मतलब देखने में कम आता है, ज़्यादा क्या मजदूर वर्ग हमारे लोग जाते हैं। मुझे एक या वाक़ याद आता है, मैंने निहाल का एक काम का नहीं पता नहीं, तो इराक थे, इराक मतलब गर्ल कंट्री, ठीक है, हाँ, इराक पैसे भेजे, तो बाद में आया पति देव कि भाई पैसे, तो वो पैसे तो खत्म हो गए और दुकानदार 21,000 और मांग रहा था, पेड़े खा गई। पैसे
पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा, 21,000 के पेड़े खा के मतलब पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा, उस पैसे को सही जगह लगा के बच्चों के एजुकेशन पे अगर अपन लगाते हैं। अभी हो रहा है हमारे मतलब गल्फ के अंदर जो यहाँ से मजदूरी करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रतिशत कम है, उनका प्रतिशत कम है, मजदूर वर्ग में ज्यादा लोग हैं। अभी केरल के लोग हैं, हाँ केरल के लोग, आपको महाराष्ट्र के लोग हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ऑफिस लाइन में जाते हैं, ऑफिस लाइन में और खुद जाते हैं, फिर अपने परिवार वालों को, समाज वालों को जोड़ते हैं, ले जाते हैं। हमारे मजदूर में जाएंगे तो किसको बुला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमारी हमारी कम्युनिटी के जो लोग वहाँ रह रहे हैं, अब वो वहाँ भी एक तरह से संगठित होके इस चीज़ पे विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम कैसे बेटर कर सकते हैं। आज जैसे गर्ल्स हॉस्टल की शिकर, क्या उत्तर भारत का एजुकेशन अब है, उसमें गर्ल्स हॉस्टल हमारे समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे समाज में बच्चे अभी निकलने लगी है बाहर, तो अब जैसे बाहर विदेश में बैठे भाइयों की फिक्र है कि जल्दी से जल्दी शिकर में गर्ल्स हॉस्टल बना जाए, तो अभी वो उस चीज़ में सोचने लगे, पहले नहीं सोचते थे, और जो अब जो चीज़ सोच रहे हैं उसका बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। एक ये सिगरेट झटकाना, एक वो पुड़िया खाना, ये बिल्कुल जो नशा है किसी भी तरह का है, वो मतलब इंसान को शारीरिक, आर्थिक और मतलब शारीरिक दोनों नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अभी इस क्षेत्र में ज़्यादा हमारी कम्युनिटी द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा, व्यक्तिगत मैं मेरे बच्चों का ध्यान रखूँ वो अलग चीज़ है, लेकिन हिसाब से इसके लिए जो दुष्प्रभाव है लोगों को बताने चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब जाता है नए लोगों की संगत में आता है तो बीड़ी सिगरेट पीना लग जाता है। एक जैसे हम वर्तमान में जो हालात देख रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द जी, इसमें देखें तो हमें अवनति हुई, मतलब गिरावट आई है, गिरावट आई है। पहले कोई कुछ एक मामले सुनने को मिलते थे, अभी बस समझिए कि अखबार भरा रहता है, बिल्कुल ठीक है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो एक तो होता है कि उकसावा, एक होता है वैसी सोच, और एक होता है वैसी परिस्थितियाँ पैदा कर देना, जबरदस्ती चाहे वोट के लिए हो, चाहे धन के लिए हो, कुछ भी व्यवसाय के लिए हो। तो एक कुछ तीन चार तत्व जो काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य कैसा दिखता है? देखो ये पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है, और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के मुद्दे कराए जाते हैं। आम आदमी, आम जो इंसान है, उसका ऐसा कोई गैप नहीं है, वो गाँव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, कहीं कोई आपस में दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीतिक के ध्रुवीकरण के चक्कर में आपस में ऐसा माहौल पैदा किया जाता है, छोटी सी कोई बात होती है उसको बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है उसका रूप, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब देश के अंदर सब जगह, बड़े शहरों में, गाँव में, डाणियों में, सब जगह राज्य खुशी रह से व्यक्तिगत किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है किसी से। हमारा सीकर जो है कह रहे हैं कि एजुकेशन हब बन रहा है जी, ठीक है। अच्छा भेड़ चाल, एक तो एक क्या होता है कि देखा देखी मतलब कि प्लाट काटने लगे, सब प्लाट काटने लगे, बस कोचिंग के लिए, इसमें कोचिंग कर ली, कोई जब प्रॉपर्टी कर रहा प्रॉपर्टी कर रहे, मतलब कि क्या है कि नौकरी के पीछे, सारी नौकरी पीछे भाग रहे हैं, तो इसमें गुणवत्ता कहाँ है वो भी मायने रखते हैं ना। बिल्कुल, तो अगर आप ओवरऑल देखें सारा काम, आप यहाँ रहते हैं तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी भी कई कोटा है, कोई दिल्ली जैसे कि दिल्ली का, दिल्ली में ज़्यादा भगदड़, लेकिन अगर गुणवत्ता बात करें दिल्ली का नाम आता है, आता है ना, चाहे कोई नहीं। अभी जो ताज़ा जो अभी आंकड़े आए हैं 2 दिन पहले, उसमें देश में, पूरे देश में मतलब शिखर को मतलब टॉप माना गया है, शिखर में वाकई में एजुकेशन हब है, और यहाँ पे मतलब नॉर्थ इंडिया के लगभग जगह से यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, और यहाँ रिजल्ट भी दिया है, और पिपराली रोड तो मतलब ऐसा जो नाम है जो मतलब सब जगह फेमस हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ी लगन है लोगों की, तो उम्मीद भी ये करते हैं कि शिखर का नाम ऐसे ऊपर रोशन होता है। कि नैतिकता, एक होती है कि नैतिकता थोपना, जैसे मैंने एक केस पढ़ा था, उसमें लड़का जो है सीडियो में लड़की से बात कर रहा था, उसको धमकाया डराया धमकाया, उसमें आत्महत्या कर ली, जैसे कुछ हुआ था ना, मुझे याद नहीं है, सर कुछ हो गया था, या जैसे कि बच्चे को अनावश्यक रूप से पीटना या प्रताड़ित करना, या जैसे कि कोई मन बुद्धि है उसके साथ व्यवहार गलत करना, या मान लीजिए कि लड़कियां हैं तो कुछ पीरियड की समस्या है, कुछ रंग का है, कुछ जाति का है, तो मैंने हालांकि ऐसा नहीं कि सारे केस होते हैं अधिकांश, लेकिन कई कई बार ऐसे उभर कर आते हैं मामले, तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो अध्यापन है करवाने वाले लोग हैं, अध्यापक कहते हैं, उनमें भी जागरूकता की, उन्हें भी कुछ प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, कुछ मामलों को संवेदनशीलता के साथ ले जाना चाहिए। देखो इसके पीछे ठीक है, वो तो जिसने कोचिंग कर रखी है, जिसने इंस्टीट्यूट कर रखा है, वो उनका बिजनेस है, लेकिन अगर मैं मेरे बच्चों को कहीं भी पढ़ाने भेज रहा हूँ, या किसी भी हॉस्टल में भेज रहा हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट में भेज रहा हूँ, तो मेरा कायदा ये बनता है कि मैं उनको चेक करूँ, उनकी समय पर काउंसलिंग करूँ,
और जो भी इंस्टीट्यूट हैं बड़े 20-30 हज़ार बच्चे रह रहे हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि वो उस चीज़ के ऊपर भी फोकस करें कि बच्चों की काउंसलिंग हो, बच्चा कोई डिप्रेशन में नहीं हो, बच्चा कोई गलत संगत में नहीं हो। तो हमारे यहाँ जो हॉस्टल में हमारे पास जो बच्चे हैं तो हम उसको बिल्कुल 1 by 1 चेक करते हैं। हमें ये लगता है कि कोई बच्चा गलत है तो हम गार्जियन से भी बात करते हैं, बच्चे को भी समझाने की कोशिश करते हैं। एक काउंसलिंग बच्चे, क्योंकि बच्चे की जो उम्र होती है वो उसको जिस तरह का माहौल मिलेगा वो उसी माहौल में डल जाएगा। अगर उसका रूम पार्टनर है जो रह रहा है वो सिगरेट पीने वाला है तो जाहिर सी बात है कि वो सिगरेट पीने की आदत पड़ जाएगी उसको। पहले थे खेल, फिर आया टीवी, फिर आया क्रिकेट। क्रिकेट ने अधिकांश लोगों को नकारा बना दिया। बिल्कुल, सोफे पे बैठे रहना, चिप्स खाना, खाना खाना, पकौड़े खाना और मैच देखना। उसके बाद में वो तो चलो, फिर भी घर में जिसकी ज्यादा चलती थी ना, बड़ा आदमी वो कर लेता था बदमाशी, बाकी कुछ काम लग जाते। अब आ गया मोबाइल। मोबाइल में जैसे हमारे घर में भी हाल है, सब क्या हाल है, सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन, तो सब अपने वो कान में डोरी लगा रखी है। जैसे मोबाइल में तो 2 साल का छोटा बच्चा है ना, वो भी वो उसको ज्यादा इंटरेस्ट है, जितना छोटा बच्चा है उसको ज्यादा मोबाइल का इंटरेस्ट है। मतलब इससे थोड़ा अपन तो अलगाव सा महसूस होता है। बिल्कुल होता है, हम एक ही जगह बैठे हैं, आप अपना मोबाइल चला रहे हो, मैं मेरा मोबाइल चला रहा हूँ, मतलब सब जगह अपने को देख रहे थे। कि बस में जाते थे पहले तो बतलाते कि तू कहाँ से, तो मतलब 2 घंटे सफर में पहचान या दोस्ती हो जाती थी। अब सब अपने अपने में, अब तो सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, पास में कौन बैठा है, कौन घर पे हैं, बाहर हैं, मतलब सब जगह, तो मोबाइल के मतलब दुष्प्रभाव ज़्यादा हैं। तो ये तो आजकल टाइम एक तरह से नशा हो गया, मतलब जिसको देखो कुछ ज़रूरत के लिए भी यूज़ करना पड़ता है लेकिन बिना ज़रूरत के यूज़ करना नुकसानदायक है। एक मुझे एक आदमी ने कहा था कि आप ना वृक्षारोपण में सवाल जरूर शामिल किया कीजिए, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपका संगठन जो है उसके माध्यम से, या जैसे कि निजी स्तर पर आपके पंचायत में, गांव में, या कहीं भी जो जैसे जो अनुकूल जगह है, तो कई बार गांव में नहीं होती, आप किसी रोड पर लगाते हैं, कई बार मोहल्ले में लगाते हैं, कई बार दूसरी जगह लगा देते हैं, किसी मंदिर के आसपास लगाते हैं, शमशान के आसपास लगा देते हैं, तो ऐसा कोई प्रयास किया है? प्रयास किया है, जैसे हमने कायमखाने हॉस्टल है उसके अंदर पत्रिका के सहयोग से पेड़ वगैरह लगाए थे और उसके बाद में बच्चों ने उसकी केयर भी की थी, तो अभी काफ़ी बड़े भी हो गए थे। बाकी इसके लिए प्लानिंग हमने ज़रूर की है, मतलब गाँव में लगाने की, लेकिन इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, मतलब क्योंकि एक पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उस पेड़ को टाइम से पानी देना और उसको मतलब बड़ा करना मतलब बड़ी चीज़ है। तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं, हमने एक दो बार इस पर करी है, वर्किंग भी करी है, लेकिन कुछ ज़्यादा एक दो जगह लगाने के बाद में हमने कोई काज इसमें किया नहीं। साफ सफाई, पहले हमारे यहाँ गांव में भी क्या होता था, सिर्फ एक नाला होता था, उसमें सिर्फ नहाने का पानी होता था, अब 70-80 केमिकल होते हैं, और उसके बाद में वो गांव बड़े हो गए तो उसमें काफ़ी चीज़ें हम बाजार से लाते हैं, तो उसमें वो प्लास्टिक वगैरह और भी कुछ रसायन होते हैं, तो मिलकर ऐसा गंदा जहरीला पानी भर से है ना। उसके बाद में आप अगर कोई खड्डा बना भी देंगे बड़ा और गांव से पानी निकाले तो भी उसका निदान तो हुआ नहीं, निदान और प्लास्टिक का तो पूछे मत, बहुत बुरा हाल है, जानवर खाते हैं, मर जाते हैं, नाले रुक जाते हैं, बिल्कुल है ना, भूजल है जो वो रिचार्ज नहीं होता क्योंकि वो प्लास्टिक जो पानी रोक लेती है। ठीक है, तो चलो कुछ कार्य तो हैं सरकारी स्तर पर होने चाहिए, जैसे मान लीजिए कि कचरे का सब गांव का जैसे उठा हो, उसके बाद में एक जगह उसका निस्तारण होना, रिसाइकलिंग हो, चलो वो तो सरकारी काम है, लेकिन हम अपने स्तर पर भी करना चाहें तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल, सरकार क्या है कि मतलब इतना बड़ा काम अकेली सरकार के भरोसे हो नहीं सकता, सरकार तो कई अभियान चलाती है लेकिन जब तक उसका हम अपने दिल से नहीं जुड़ेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि पड़ोसी झाड़ू निकालता है सुबह सुबह, सामने वाले वो कचरा साइड में कर देता है, बस वो इसीलिए देखा मैंने, उसकी वजह से सर फट जाते हैं। बिल्कुल, वो अगर अपन उसका एक दूसरे की तरफ कचरा डालने की कोशिश करेंगे तो ये गलत भी है, अगले को भी दिक्कत होगी, लेकिन सरकार के भरोसे हो नहीं हो सकता जब तक हम खुद जागरूक उसके लिए। आप कॉमरेड हैं तो आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ कि ये आवारा पशु हैं, इनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है, कहने को तो हम सारे हमारे हिंदू कहते हैं गौ माता ठीक है, लेकिन सुबह से वही लठ मार देते हैं। देखो, आवारा पशु है वो, किसान की फसल वो सर्दी में भी उसकी रखवाली करता है, एक बार पशु घुस गया तो वो क्या तो भगाएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि उसकी रोजी रोटी है वो, तो उनके लिए सरकार ने मतलब गौशाला बना रखी है, उसमें मोटा अनुदान जाता है, तो हिसाब से तो ये होना चाहिए कि वो जहाँ अनुदान जा रहा है वहीं उनका रखरखाव होना चाहिए, उनको टाइम से खाना पीना वहीं मिलना चाहिए। अनुदान की गौशालाओं में बड़ी दयनीय हाल तक, एक बार हमने देखा 100-100, 200-200, 900 गाय मृत पाए जाते हैं। वो अनुदान तो सरकार से उठा लेते हैं लेकिन वो उनका मतलब रखरखाव नहीं करते हैं, अगर रखरखाव करेंगे तो वो जाहिर सी बात नहीं मरेगी, लेकिन वो भूख के कारण बाहर भी निकलती है, खेतों में जाती है,
या शिखर में देख लो रोड पे बैठे हो कि अगर किसी के जैसे गाय हो और कोई बछड़ा अगर पैदा होता है तो उसका कोई जैसे डीएनए सैंपल लिया जाए, मतलब कि हर गाय का लिया जाए, उसके बाद में जो आवारा घूमता मिले उसका डीएनए चेक करो किसका मिलता है, तो उसको उसका जुर्माना लगाओ कि भाई तुमने ऐसे छोड़ दिया। हिंदुस्तान में सिस्टम मतलब इंसानों का ऐसा नहीं बैठ पा रहा है कि इतनी पॉपुलेशन अपनी है तो जानवरों पे तो ये चीज़ मतलब मेरे को नहीं लगता है। मुझे लगता है यही एकमात्र उपाय बचा है। नहीं, उपाय तो ये है कि जिनको जो सरकार अनुदान दे रही है गौशालाओं को, तो उनको प्रॉपर ट्रैकिंग करनी चाहिए कि अगर गौशाला में कितनी गायें हैं, बाहर क्यों है, अगर शिखर में 10 गौशाला हैं तो बाहर गायें क्यों भटक रही है, मतलब उनको वहाँ प्रॉपर मिलना चाहिए। और बात की जो भी इसके लिए लोग सहयोग भी करते हैं, मतलब व्यक्तिगत भी देते हैं उसमें सहयोग देते हैं। एक सवाल है यातायात संबंधी, आप गांव में निकलते हो थोड़ी शांति रहती है, शिखर में आते हो आपको आगे पीछे बाएं दाएं बाइक वाले कार वाले आगे जाने होड़ कोई सिग्नल का ट्रैफिक कोई मतलब नहीं दाएं बाएं, ठीक है, और अगर जयपुर उदय शहर में जाते हो तो फिर आपको आपके हाथ में फूल जाते हैं कैसे मैं यहाँ मोटरसाइकिल चलाऊँ कैसे कार चलाऊँ, वहाँ तो वही बुरी तरह चलाते हैं ना, फिर बड़े शहर में जाते और बुरी तरह से। तो आपको लगता है कि हमें कुछ लगता है कि सिखाया ही नहीं गया ट्रैफिक रूल के बारे में, तो हमें एहसास ही नहीं है कि हम कितना गलत कर रहे हैं। भाई हमें जो का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है भाई, हमें यहाँ मतलब डर नहीं रहता, रेड लाइट हमने क्रॉस कर दी हमें डर नहीं है। कानून का जो है मतलब कानून बनाओ, रेड लाइट क्रॉस करोगे तो या बगैर लाइसेंस के चलाओगे बगैर हेलमेट चलाओगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट पूरा नहीं हो पाता है। जैसे विदेशों में है, अगर डायरेक्ट उसका चालान कटे, अगर आप कैमरे की नज़र में आ जाओगे, अब कोई भी बंदा शिखर में अगर ड्राइविंग कर रहा है तो वो सीट बेल्ट नहीं लगाएगा जल्दी से, लेकिन वो जयपुर जाते ही लगा लेगा, उसको डर रहता है वहाँ जयपुर में। क्योंकि भय है कि 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये देंगे, भय होगा तब भी हम कानून की पालना कर पाएंगे। और हेलमेट भी जैसे अपन लगा रहे हैं, जैसे गांव में नहीं लगा रहे, शिखर आते लगा अच्छा, लेते हैं। आप इतने आंदोलन करते हैं कॉमेड और इतनी जो है वो जागरूकता फैलाने का काम, फिर भी जो है वो अपनी लाल पिता साइज एक्सरसाइज जो है वो कम होने का नाम नहीं लेती। वैसे ही फाइलें लटकाना, वैसे ही लोगों को परेशान करना, वैसे ही चक्कर लगवाना, इसका कोई अंत होगा? इसका अंत तो ये है कि जो रिश्वतखोरी है ये इस चीज़ों की जड़ें बहुत गहरी है, इस पर जब तक बहुत बड़े लेवल पर इस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट के सहयोग के बगैर है नहीं। गवर्नमेंट भी समय समय पे अधिकारियों पे रेड डालती रहती है, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी पुरानी तो काफ़ी पुरानी, इतने जल्दी इतना जल्दी ये जाने वाली नहीं है मतलब। और आदमी भी सोचता है भी ठीक है चार चक्कर लगाऊंगा इससे बेटर है कि 500 रुपये दूँ। तो ठीक है, आपने समय दिया इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद और काफ़ी शालीनता से और संयम तरीके से। धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए समय निकाला, आप ने हमें इसके लायक समझा और हमारे विचार जाने, नहीं हमारे विचार आपने जाने, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और समय मिला तो आपके साथ साथ आ लेते हैं। क्यों, नमस्कार।